हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8। अभी हम 8.3.1 एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस ये समझा रहा हूँ मैं आपको। योर बिल इन अ शॉप इज़ 577.80 एंड द शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 15%। तो 15% उसको हम 10% और 5% ऐसे अलग अलग गिनकर भी कर सकते हैं। हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड, राइट? आप कितना अमाउंट पे करना है वो कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? राउंड ऑफ द बिल टू द नियरेस्ट टेंस ऑफ 577.80। तो 577.80 उसको हम टेंस में कितने लिखेंगे? 580, राइट? तो उसका पहले हम 10% करेंगे, तो 10 × 10 × 580/100, तो ये 0-0 कट हो जाएगा, ये 0-0 कट होगा, तो 58 रुपीज़ 10% आया। और 5% मतलब 10% का आधा, राइट? तो 58 का आधा करेंगे हम, तो हाफ इंटू 58 तो 29, राइट? योर 10% और ये 5% दोनों को ऐड करेंगे तो 87 रुपीज़, राइट? तो 87 रुपीज़ टोटल रिड्यूस करेंगे, और उसको भी अगर राउंड ऑफ करेंगे हम तो कितना होगा? 85, राइट? राइट, तो 87 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो 85 होगा। तो 85 रुपीज़ 580 से कट करेंगे हम, तो 495 हमें मिलेगा। तो हमारा बिल कितना बनेगा? 495। 580 − 85 करेंगे हम, 580 − 85, तो 5 यहाँ पर क्या होगा? 7 17 − 8 कितना होगा? 9। 495, राइट? 495 रुपीज़ हमारा बिल बनेगा। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पर दिया है कि 577.80 ये हमारा बिल बनता है, राइट? उसको राउंड ऑफ किया हमने, उसके 15% हमें डिस्काउंट मिलता है। तो 15% को कैसे किया हमने? पहले 10% किया, और 10 का आधा मतलब 5% किया, टोटल 15% मिला। 15% कितना आया? 87। उसको भी हमने राउंड ऑफ किया तो 85 आया, राइट? तो 85 जो था उसको हमने माइनस किया 580 से, तो 495 मिला हमें। फिर ट्राई एस्टिमेटिंग 20% ऑफ द सेम बिल, राइट? तो उसका 20% अगर हम करेंगे, और दूसरा 15% बोला है हमें, तो 20% करेंगे हम तो कितना मिलेगा हमें? 20% ऑफ 580, 20% ऑफ 580 तो कितना आएगा? तो 20 × 580/100, तो 0-0 दोनों कट हो जाएंगे, 580, 58 2 जा कितना होगा? 116, तो 116 रुपीज़ कम हो गए, तो 580 − 116 होगा, राइट? तो 10 − 6 तो 4, यहाँ पर 7 − 1 तो 6, 5 − 1 4, राइट? 20% अगर डिस्काउंट है तो कितना होगा? 464 रुपीज़ हमें पे करना होगा, राइट? तो ये आपको भी नोटबुक में लिखना है। ओके, देन सेकंड लिखा है, ट्राई फाइंडिंग 15% ऑफ 375। तो 375 के 15% फाइंड करते हम, 375 × 15/100, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 375 × 15 करेंगे, 375 × 15, तो 3750, 5 5 = 25, 7 5 = 35 + 2 37, 3 5 = 15 + 3 18। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 5 12 16 and 56.25, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली हम एस्टिमेशन में कितने लिखेंगे? 56 लिखेंगे, राइट? या तो उसको हम अलग तरीके से कर सकते हैं, 10% और 5%, राइट? तो 375 उसका 10% हम करेंगे, 0-0 कट, तो 37.5, राइट? और उसका आधा कितना होगा?
375 डिवाइड बाय 2, तो 18 टू जा और 75। अभी ये 10% और ये 5%, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 37.5। तो 5 12 56, राइट। तो ऐसे 10% और 5% अलग अलग फाइंड करो, दोनों को ऐड करो तो भी क्या मिलेगा हमें, 15% मिल जाता है। तो दोनों का 15% कितना मिला हमें, एस्टिमेशन में 56 हम लिख सकते हैं, राइट। एस्टिमेशन, तो ये एस्टिमेशन की साइन है, तो ऐसे साइन करके भी हम लिख सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हैं प्राइसेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर द स्कूल फेयर मिला, आई एम गोइंग टू पुट ऑफ स्मॉल लकी डिप्स। आई विल चार्ज ₹10 फॉर वन लकी डिप, बट आई विल बाय आइटम्स विच आर वर्थ ₹5। सो यू आर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 100%, राइट। नाउ आई विल स्पेंड ₹3 ऑन पेपर टू रैप द गिफ्ट एंड टैप। सो माई एक्सपेंडिचर इज ₹8। दिस गिव्स मी अ प्रॉफिट ऑफ ₹2, विच इज़ 2/8 इंटू 100/100 इज इक्वल टू 25%। मतलब 2 4 जा 8 और 4 25 जा 100, तो 25% प्रॉफिट हुआ। समटाइम्स व्हेन एन आर्टिकल इज़ बॉट, बराबर, कभी भी कोई आर्टिकल हम खरीदते हैं, सम एडिशनल एक्सपेंसेस आर मेड, बराबर, तो थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। वाइल बाइंग और बिफोर सेलिंग इट, कोई भी आइटम हमें खरीदनी है या बेचनी है तो उसके ऊपर हमें थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। दिस एक्सपेंसेस हैव टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस, और ये एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हमने ₹25 में ख़रीदी और उसके ऊपर ₹5 खर्चा किया तो वो हमें कितने में पड़ी, 25 + 5 मतलब ₹30 में पड़ी, राइट। तो ₹30 उसका कॉस्ट हो जाता है, भले 25 में ख़रीदा लेकिन और ₹5 का खर्चा किया तो कॉस्ट प्राइस ₹30 हो गई। दिस एक्सपेंसेस आर समटाइम्स रिफर टू एज ओवर हेड चार्जेस। तो 25 और 5, बराबर, ₹25 की चीज़ और ₹5 का खर्चा, तो उसको हम बोलते हैं ओवर हेड चार्जेस। ₹5 क्या हुए, ओवर हेड चार्जेस। दिस में इंक्लूड एक्सपेंसेस लाइक अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, राइट। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं फिर उसके ऊपर कुछ रिपेयरिंग का खर्चा करते हैं, या तो मजदूरी लाने आने लाने और ले जाने की जो मजदूरी है उसका चार्जेस हम लगा ऐड करेंगे, या तो उसको लाने ले जाने में जो खर्चा हुआ, राइट, वो हम ओवरहेड चार्जेस में इंक्लूड करते हैं, राइट। तो ओवरहेड चार्जेस में क्या क्या आ सकता है, रिपेयरिंग का खर्चा, लेबर चार्जेस का खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ओके, इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 5 वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।